हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है, खुश आमदीद और वेलकम। और सुनाए, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है आप जहाँ पे भी रहें, शाद रहें, आबाद रहें और खैरियत से रहें, और हमारे लिए भी दुआ कीजिए। फ्रेंड्स, ट्रिप पे जाने के लिए एक लास्ट शॉपिंग रहती है, थोड़ी बहुत वो करने जा रहे हैं, तो आप भी हमारे साथ रहिए। इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। यहाँ पे कपड़े प्रेस करने के लिए दे रहे हैं, ये प्रेस हो जाए तो वापस ले जाएंगे। यहाँ आ गए हम ताज़े ताज़े चने लेने के लिए, भट्टी में एज ए स्नैक्स यूज करेंगे रास्ते में। ये ले रहे हैं एक। यहाँ से हम चार्जर लेने आए हैं, एन वक्त पे चार्जर खराब हो गया। अच्छा हुआ, रास्ते में अगर खराब होता तो मुश्किल हो जाती। तो यहाँ से बैलेंस भी डलवाएंगे और चार्जर भी लेंगे। रास्ते में आशीर को सोडा पीना था तो सोडे शॉप पे रुक गए हम। आशीर, ये जो पौं पौं करते हैं ना बाजे, ये बहुत इरिटेट करते हैं, ये इरिटेट वाले। बाकी सब सही है, बाकी जो स्टॉल में चीज़ें हैं वो सही है, ये बाजे बहुत ख़राब है, कान फट जाते हैं जब बच्चे बजाना शुरू करते हैं तो। ये आ गया नारियल वाला। नारियल कितने का दिया भाई? नारियल कितने वाला बहुत मिल जाएगा, मतलब कितने कितने का है? 200 का है, 300 का है। फ्रेंड्स, हम लोग घर आ गए, अब इस वक्त 11:30 बज रहे हैं। ये देखें, शॉपिंग करते करते ये टाइम हो गया। और ये देखें, ये सब कुछ लाए हैं, ये आइसक्रीम है और ये ग्रेप्स है। हमारे आशिर का फेवरेट हो गया है ये ग्रेप्स मिल्क शेक। और ये दूध, और ये तो लिप्स बाम है, मॉइस्चराइज होंगे वरना खुशक हो जाते हैं। और ये तो बता चुके हैं चने वगैरह, और ये ग्रीन टी लेके जाने के लिए। और ये कपड़े पड़े हुए हैं पैकिंग के लिए, अभी की नहीं है पैकिंग, अभी करेंगे ये सब कुछ। अभी तो हम थक गए, अभी पहले रेस्ट करेंगे। आशीर अपना पसंदीदा शेक बनाने के लिए खुद ही ग्रेप्स साफ कर रहा है, इसका इतना फेवरेट हो गया है वो ग्रेप्स मिल्क शेक, तो ये खुद ही साफ कर रहा है। जब तक ये साफ कर रहा है, हम भी अपने वो रेमेडी बना लेते हैं, बाल इतने रफ हो रहे हैं। तो आशीर के, आशीर तुम्हें भी बना के लगाए? आशीर, आशीर कानों में लगाया हुआ है क्या? ओ भाई, तो मैं भी बालों में लगाएं? क्या बालों में लगाएं? क्या रेमेडी बना रहे हैं? बना दो, लगा लेंगे। ओके, हेयर केराटिन स्पा जैसी बनाने के लिए, बाल स्मूथ और सिल्की बनाने के लिए यहाँ पे हमने चावल का आटा ले लिया है 5 टेबल स्पून, और अलसी के बीन्स ले लिए हैं 5 टेबल स्पून। ये दो बंदों के लिए बना रहे हैं, तो इसलिए जिसके पास एलोवेरा जेल नहीं होगा वो अलसी के बीन्स ले सकता है। तो इसको पहले ठंडे पानी में, 1.5 गिलास ठंडा पानी लिया है, इसको पहले इसको डिजॉल्व करेंगे, फिर इसको चूल्हे पे रख के पकाएंगे। ये चढ़ा दिया है, स्लो चढ़ाया मीडियम, और इसको लगातार स्टेयर करते रहेंगे वरना चावल है नीचे लग जाएगा। तो इसको स्टेयर करके पका के फिर मिलते हैं। ये पक गया, अब इसको गरम गरम ही स्टेन कर लेंगे, यानी छान लेंगे गरम गरम ही, वरना ये छनेगा नहीं। तो ये देखें, क्रीम रेडी हो रही है ना, तो अब इसको छान लेंगे। हाँ, इसको बताना भूल गए, अलसी के बीन्स पहले से हमने भिगो दिया था और इसको 5 मिनट पकाया है। 5 मिनट में ये अच्छी सी क्रीम बन गई है, तो अब इसको छान के मिलते हैं।
ये छान भी लिया और एक केला पीस के इसमें मिक्स भी कर लिया। अब इसमें ऐड करेंगे ये कैप्सूल जो रखे हुए हैं, चार कैप्सूल ऐड करेंगे। ये इवियन के हैं, इवियन कैप्सूल, ये चार इसमें ऐड करेंगे। और कोकोनट ऑयल एक टेबलस्पून ऐड करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। बालों में लगा के एक घंटा छोड़ के फिर वॉश कर लेंगे। ये हो गया एक क्रीम। यहाँ आशीन ने ग्रेप्स भी साफ कर लिया। अब इसका ग्रेप्स का मिल्क शेक बनाएंगे। ये बनाना कितना आसान है, दूध डाला, ग्रेप्स डाले, आइसक्रीम डाला और ग्राइंडर किया और इसको गिलास में डाल के पी लिया। किचन की तरफ जो है ना बहुत शोर हो रहा था, तो इसीलिए हम कमरे में आ गए ये बताने के लिए। बहुत इजी है ये। ये बना लिया और गिलास में भी डाल दिया। ये गिलास में देने जा रहे हैं और ये जो है ये हम और आशीर पी लेंगे। आशीर आशीर, ये जब हेयर वॉश कर लोगे ना तो इसका रिव्यू देना बेटा। आशीर को लगा दिया, अब हम अपने आप को लगा लेंगे। आशीर हॉनेस्टली रिव्यू देना, बताओ। बाल अच्छे हो गए। हाँ सच्ची में। हाँ, और ज्यादा मजेदार हो गए। सिल्की सॉफ्ट हो गए। yes. अच्छी रेमेडी है ना ये। अब वापस आके फिर बना के लगा लेंगे ट्रिप से आके। आप तो लगवाते ही रहूंगा। लगवाता ही रहूंगा, तुम फौरन फैल जाते हो। खुद बनाना, खुद लगाना भाई। अब उंगली पकड़ो, हाथ पकड़। नहीं नहीं, अब खुद बना लेना। वीडियो है ना, रेमेडी देखना और बना लेना। थैंक यू बेटा, थैंक यू आपकी रिव्यू का, थैंक यू। फ्रेंड्स, हमारे बाल भी अच्छे हो गए हैं और इतनी अच्छी रेमेडी है, पता नहीं लोग क्यों नहीं फायदा उठाते। देखेंगे तो फायदा उठाएंगे ना, हमें तो बुरा नहीं लगता। हमारा तो दिल बहुत बड़ा है, देखे नहीं देखे कोई बात नहीं है, मगर आप लोग तो फायदा उठाएं। हमारी वीडियो भी देखा करें, थोड़ा सा टाइम दिया करें, क्योंकि इतनी सारी उल्टी सीधी वीडियो देखते हैं, दुनिया जहान की वीडियो देखते हैं, तो थोड़ा सा टाइम हमारी वीडियो को भी निकाल लें। कोई हर्ज नहीं होता, बल्कि किसी की हौसला अफजाई करना भी सवाब का ही काम होता है। तो आप देखा करें हमारी वीडियो को और वक्त पे देखा करें। अगर वक्त पे देखते हैं, अगर 20 लोग भी अगर वक्त पे देख लें तो YouTube आगे बढ़ाता है। और वक्त पे नहीं देखते, हम अपलोड करते हैं सुबह और रात को देखते हैं आप लोग, तो वो YouTube वाला यही समझता है कि ये बेकार है, इसलिए वो वीडियो वायरल भी नहीं होती, आगे भी नहीं बढ़ती। तो अगर हमें साथ दे रहे हैं, जो साथ देने वाले हैं वो वक्त पे देख लें, जब हम अपलोड करते हैं वक्त पे उसी वक्त देख लेंगे, पूरी वीडियो देख लेंगे, तो वो आगे बढ़ जाएगी और इस तरह से व्यूज भी आएंगे। कोई व्यूज नहीं आते और इतनी हमारी हौसला अफजाई भी नहीं होती। तो प्लीज़ थोड़ा सा अगर आप हेल्प कर रहे हैं, हमारा साथ दे रहे हैं, तो इस तरह से दिया करें आप, मेहरबानी अगर आप लोगों की। वैसे मर्जी है आप लोगों की, देखना चाहें तो देखें, नहीं तो कोई बात नहीं, अल्लाह है हमारा, अल्लाह ही आगे बढ़ा सकता है, अल्लाह ही कामयाब कर सकता है। जब इतनी अच्छी अच्छी वीडियोस डालते हैं, कोई व्यू नहीं आते, तो वो डीमोटिवेट हो जाते हैं हम कि बना किस लिए रहे हैं, इतनी मेहनत करते हैं, इतना सब कुछ करते हैं, कोई देखता ही नहीं है। तो ये तो गलत बात है ना, देखा करें, लाइक करें, शेयर करें, हमारा साथ दें। बार बार बोलना पड़ता है आप लोगों को कि हमारा साथ दें, हमारा साथ दें। मर्जी वही आप लोगों की, अगर आपका दिल चाहे तो साथ देना, नहीं तो कोई बात नहीं। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। खुश रहिए, खुशियां बांटिए, अपने आसपास वालों का भी ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।